तो हेलो भाई लोग, कैसे हो यार आप लोग? तो आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस देख सकते हो यहाँ पर मेरे हाथ में जो एकदम हेवी गेमिंग ईयरफोन है, ठीक है। तो भाई इसका जो नेम है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर CP EP04 गेमिंग ईयरफोन, ठीक है। कॉस्मिक बाइट स्विच टू गॉड मोड, भाई हेवी बहुत सारा चीज आपको मिल जाता है। और मेरे को ये करीब 750 का पड़ा है, ठीक है। ऐसे करते सबसे पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले, इसका टेस्ट करेंगे कैसा टेस्ट होता है। फ्रैक्स अगर गोली हम लोग फायर करते हैं तो क्या तुरंत साउंड आता है कि नहीं आता है, या फिर डिले हो जाता है? तो बस अपन लोग यही चेक करने वाले, या फिर इसका माइक टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका आपको पता हो इसके साथ अलग से एक माइक। एक्चुअली हम भाई अनबॉक्सिंग पहले ही कर लेते, क्योंकि कल रात में आया था, तो कल रात में भाई तो लाइट वेट का इंतजाम नहीं हो पाता। लाइट तो है बट यू नो वैसा इंतजाम नहीं होता, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम भी चल रहा है, तो एग्जाम पे ही फोकस करना है और फिर गेम भी खेलना है रात में, तो भाई इस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम रात में ही थोड़ा चेक करने के लिए कर लेते कैसा था। मेरे को तो परफॉर्मेंस मस्त लगा था, बाकी आज अभी हम लोग आप लोग लाइव टेस्ट करके ओपन करने वाले। तो फटाफट इसको ओपन करते, ये इधर से ओपन होगा, ये ऐसे ऐसे देख सकते हो आप लोग। माय गॉड भाई, देख सकते हो लग रहा है ऐसा ना कि मतलब यू नो बुलेट्स वगैरह रखे हुए, एक दो तीन, ये बड़ी बुलेट है, छोटी बुलेट है, ऐसा वगैरह कुछ लग रहा है इसका। तो यू नो फंक्शन मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका नाइस नाइस मस्त लग रहा है दिखने में। कहाँ से खुलने वाला है ये? वो बुलेट्स आप लोग देख सकते हो। और ये क्या है? ये लेदर बैग दिया भाई आप लोग कैरी करने के लिए। ये आई थिंक लेदर का नहीं है, ये रैक्सिन होता है ना, वो रैक्सिन होता है ना, वो उसी का ही बना, क्योंकि लेदर तो आप खुद देगा नहीं। कंटा बहुत सड़ी का 200 रुपये तो खाली इसी का पड़ेगा लेदर का, अगर आप लोग लोगे तो, ठीक है। तो ये रैक्सिन का है, साइड रख देते हैं सामान। और बाकी ज़्यादा भाई ईयरफोन की बात करें यहाँ पर, फटेक से कर लेते हैं। ओह भाई यू नो मेरे को इसका वजन भाई पता है, कल हम खेल रहे थे, अबे यार ये अटक गया है। रुको भाई, देखो इसका जो वजन देख सकते हो ना आप लोग, यू नो थोड़ा सा हेवी है, ठीक है। उनका छोटा कान है ना, उसमें भाई ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिया गया, ठीक है। और यू नो पेन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा देर तक खिला खेलते हो। तो हम यही रिकमेंड करेंगे, तो आप उसको एक मिनट बस आप लोग देख सकते हो। पहले ये थोड़ा सा हेवी है, यू नो कुछ ज़्यादा ही बड़ा, देख लो भाई आप लोग खुद देख लो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा, ठीक है। उसको यू नो गेमिंग है तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा हल्का दो यार, थोड़ा सा यू नो छोटा कर देते, क्या दिक्कत है इसकी। ये बड़ा इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइक का ये है ना जैक, ये दिया गया, ठीक है। बाकी बात हम लोग ईयरफोन वगैरह बाद में चेक करते, देखते हैं इसमें और क्या क्या सामान है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये एक माइक दिया गया, जो कि आप अगर आप लोग यू नो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये लाइक दिस, अगर आप लोग इसको ऐसे लगा लो, ठीक है, जो कि बहाल हो जाएगा भाई। इसका माइक का भी हम लोग टेस्ट किए नहीं है, बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है। अरे यार रुको भाई, चलो यहाँ पर क्या क्या है भाई, ये तो एक पिन है, मतलब यहाँ पर आप खोज सकते हो कहाँ पर भी आपको अपना माइक सेट करना है, उस हिसाब से ये आपको दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर हम भाई रिकमेंड बोलेंगे भाई आप लोगों को ये वाला लगा लेना, ठीक है, ये वाला खोल करके, ये कुछ ज़्यादा ही पेन देगा आपको, ठीक है। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, तो ब्रो ये वाला आप लगा लो, एक सेकंड, ये लेफ्ट है ना, टाइट लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं गाइस, हम लोग बस आप लोग लगा लेना, बाद में चुनो, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग लगा लेना, ठीक है। बस हम लोग आप इसको जा रहे हैं बस फटाक से चेक, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक केबल दिया गया, जो इस माइक का टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते गाइस, कैसा होने वाला है इसका। तो इसको इस तरीके से आप अपना माइक देख सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब इसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं माइक, यहाँ पर आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि भाई हम लोग कैमरा एक ही फोन है अभी फिलहाल मेरे पास, तो ठीक है। अपने स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कि क्या हमारा वॉइस जो है अगला वो कैसा आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरे घर के बगल में जस्ट कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो मेरे को तो आवाज़ आ रहा है। बट ये जो माइक है, ये डिटैचेबल माइक है, ये बहुत नॉइज कैंसिलेशन है, जो कि बहुत ही मस्त है, ठीक है। सब तो कैसा है इसका वॉइस वगैरह, हम इसी से रिकॉर्ड भी अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इससे पूछने वाले हैं कि हमारा वॉइस कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, अगला टीममेट्स को कैसा वॉइस, और इसका एक डिसएडवांटेज भी, वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले इससे पूछते हैं, हेलो छोटू, मेरा वॉइस कैसा आ रहा है तुमको? अबे अच्छा आ रहा है। और हम पूछ रहे थे बैकग्राउंड वॉइस कैसा आ रहा है, मतलब आसपास कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो वो सब तुमको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, वो सब सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, और वॉइस वगैरह ठीक क्लियर आ रहा है ना, एकदम सही एकदम? हाँ ठीक है, ठीक है फिर, चलो फिर। तो भाई आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमारा राइस्टर भाई था, वो बोला कि बिल्कुल सही आ रहा है, बैकग्राउंड वाइज नहीं आ रही थी। यानी कि आप लोग अगर आप लोगों को ये गेमिंग के लिए या फिर लाइव स्ट्रीम के लिए अगर आप लोग ये परचेस कर रहे हो, तो एकदम बिल्कुल कर सकते हो मेरे तरफ से, एकदम बिल्कुल। हाँ, आपका डिसएडवांटेज क्या, अगर आप जैसे सपोज अगर आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो आप अगला से कन्वर्सेशन करके बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन गेम में तो भाई ठीक वॉइस आएगा, ठीक है, अगला मस्त आपको सुनाई देगा, बहुत लाउड आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन बस अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो भाई उस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा भी आप लोगों ने देखा कि कितना कम साउंड आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब गेम में भी आपको इतना कम सुनाई देगा, ऐसा नहीं है, बस आप रिकॉर्डिंग जो होता है ना भाई, इसका अगला का साउंड बहुत कम हो जाता है। अगर आप लोग यू नो टीममेट्स का वॉइस वगैरह अगर आप लोग चाहते हो डालें अपने गेम प्ले में, तुम्हारा भी वॉइस रहे, तो हम ये रिकमेंड करेंगे भाई तब इसको मत लेना। अगर आप लोग नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए ले रहे हो, गेम प्ले के लिए ले रहे हो, गेमिंग के लिए मस्त खेलने के लिए, ई स्पोर्ट वगैरह अगर आप खेलते हो, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हो, वो सब के लिए मस्त है। फुट स्टेप एकदम मस्त आती है भाई, एकदम किधर से आ रहा है नहीं आ रहा, सब कुछ मस्त आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन लोग साउंड यहाँ पर कम कर लेते थोड़ा सा, तो हम लोगों की बातें करने में भाई तीसरे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अलग से जो माइक इन लोगों ने दिया उससे अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं क्या ये परफेक्ट साउंड आता है कि नहीं, ये एल शेप का कनेक्टर लगा के, और ये गेमिंग जो ईयरफोन है हमारा CP-LOWLSN इसको लगा के क्या हमारा परफेक्ट साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन लोग फटाक से चेक करते हैं यहाँ पर। तो क्या करना है यहाँ पर, रुको साउंड भाई बढ़ा लेते, वो तो आप लोगों से बात करने के लिए साउंड अपन लोग कम कर दिए थे ना, समझा करो यार, आप लोग समझते नहीं हो यार। चलो फटैक से अपन यहाँ पर स्कोप ऑन करके एक फायर करते हैं इस टकले के सर पे, एक्चुअली ये टकला तो है नहीं, फायर किया जाए, क्या देखते हैं परफेक्ट साउंड आवाज़ आता है कि नहीं, या फिर डिले होता है, फिर थोड़ा लेट से आता है, ठीक है। 1, 2 and 3 ओ भाई एकदम परफेक्ट साउंड है यहाँ पर एकदम, मेरे को जैसा ब्लूटूथ वाला अगर ईयरफोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें यू नो थोड़ा सा लेट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, फिर से एक बार चेक किया जाए। और भाई हम और इतना बस हम आपको दिखा देते, ये टेस्टिंग था, एक मिनट। अब हम कल रात से रात में ही खेले थे और हम आज सुबह भी खेले थे थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम रैंक और कस्टम दोनों खेल, रात में तो कस्टम और रैंक दोनों खेले थे, ठीक है, और आज सुबह CS भी खेले थे, ठीक है। और भाई उसमें मेरे को यू नो परफेक्ट सब कुछ साउंड भाई इतना हेवी आ रहा था ना भाई, मत पूछो, मस्त आ रहा था साउंड, ठीक है। मैं यू नो राइट लेफ्ट सब पता चल रहा था भाई एक दिन, और मेरा भाई इसमें हाथ भी बैठ चुका है भाई एल शेप वाला भाई। शुरू शुरू मेरे को इतना दिखा था कोई नूबड़ा नूबड़ा बंदा भाई मार के चल जा रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा भाई कैसे मार रहा है भाई, ग्लू बॉल लगा रहा है, ग्लू बॉल तो आ रहा है बस लग ही नहीं रहा है, मूड खराब वगैरह रखा है। तो भाई देखो बस वीडियो यही था, अगर भाई जिन लोगों को अगर ये ईयरफोन और वो कनेक्टर खरीदना है तो अपन लिंक जो है वो कहाँ दे देते हैं वीडियो में, नहीं लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो कैसा है नहीं है। ये मेरे को 750 का पड़ा था, ठीक है, 750 को ये अराउंड मेरे को पड़ा था, ठीक है। तो अपन ऑफर में लिए थे शायद, नहीं ऑफर में तो नहीं लिए थे, नॉर्मल ही लिए थे भाई, 750 का पड़ा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ये तीनों भाई अगर आपको ये दोनों लेना है, कनेक्टर और प्लस ईयरफोन गेमिंग ईयरफोन लेना है, तो भाई आप लोगों को मैक्सिमम आपको भाई 1150 के अराउंड पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पैसा जमा हुआ करो, अपने ब्रदर दीदी किसी से मांग के आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करना है तो ये ईयरफोन बेस्ट है आपके लिए, गेमिंग करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करना है, तो ये ईयरफोन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। जिसके जिन लोगों के फोन में 3.5 mm जैक नहीं है तो उन लोगों को अपन बता दिए कि कैसे करना है, नहीं करना है, नहीं देखो वीडियो तो जाके क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपन उसका भी लिंक दे देते हैं, वो वीडियो देख लो कि वो टाइप सी कनेक्टर जो था जो अपन रेड वाला दिखाए थे वो उसको कैसे यूज़ करना है, उसका कैसा यूजिंग वगैरह है, वो कैसा मतलब यू नो फायर वायर करते हो कैसा आता है, सब कुछ अपन बता चुके यार भाई, मत चाहो यार, ठीक है। बस क्या करना, बस फटाक से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।